दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। और आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, भारत के कितने पड़ोसी देश है? भारत की बात करें तो भारत के कुल टोटल 7 पड़ोसी देश है। भारत के कुल टोटल 7 पड़ोसी देश है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका बांग्लादेश। सबसे पहले आ जाता है आपका बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका चीन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका चीन, और तीसरा आया था आपका पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद में चौथा आया था आपका बांग्लादेश। चौथा आया था आपका बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद में पांचवा आया था आपका म्यांमार। पांचवा म्यांमार। उसके बाद में छठी की बात करें, वो आया था आपका भूटान। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले आया था आपका बांग्लादेश, उसके बाद में आपका चीन, उसके बाद में आपका नेपाल। ठीक है, तो सातवां कौन सा आपका? नेपाल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, सबसे बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश की जो सीमा टच करती है वो है 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और जो सबसे कम करती है वो करती है अफगानिस्तान की। जो सबसे कम करती है, ये सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, और उसके बाद में सबसे कम करती है अफगानिस्तान की, वो है 106। अफगानिस्तान, वह है आपकी 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान की सबसे कम करती है। उसके बारे में बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, पाकिस्तान की जो राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वो जो आजाद हुआ था, ये हुआ था 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये आजाद हुआ था पाकिस्तान आपका 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, और जो बांग्ला सॉरी पाकिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी इस्लामाबाद। इसकी जो राजधानी कौन सी आपकी? इस्लामाबाद। इसकी जो राजधानी है वो है आपकी इस्लामाबाद। ठीक है, इसकी अगर हम संसद की बात करें तो उसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। इसकी जो संसद है वो है नेशनल, नेशनल इसकी जो संसद का नाम है वो है आपकी नेशनल असेंबली। इसे मजलिस ए शूरा भी कहा जाता है। इसे मजलिस, मजलिस ए शूरा। ठीक है, इसे मजलिस ए शूरा भी कहा जाता है। ठीक है, और जिसके राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें वो है सेंडुरस देवदार। इसका जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है आपका देवदार। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, जो इसका राष्ट्रीय पक्षी है वो है चकोर, और जो राष्ट्रीय पुष्प है इसका वो है जैस्मिन। जो राष्ट्रीय पक्षी है इसका चकोर। ठीक है, इसकी जो राष्ट्रीय पक्षी है वो इसका चकोर, और इसका राष्ट्रीय पुष्प है वो इसका जैस्मीन। राष्ट्रीय पुष्प जो है इसका वो है जैस्मीन। राष्ट्रीय पुष्प, जो इसका राष्ट्रीय पुष्प है वो इसका जैस्मीन। ठीक है, और जो उसकी राष्ट्रीय भाषा है वो इसकी उर्दू। जो उसकी राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है वो, राष्ट्रीय भाषा है इसकी उर्दू। ठीक है, जो इसकी राष्ट्रीय भाषा है वो इसकी उर्दू। जो इसकी राष्ट्रीय भाषा है वो आपकी उर्दू है। ठीक है,
इसके बारे में बात करेंगे, इसकी फल के बारे में। इसके फल है आम, इसके जो राष्ट्रीय फल है, इसका जो राष्ट्रीय फल है इसका जो राष्ट्रीय फल है वह है इसका आम, ठीक है। इसके जो राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी। इसका जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगर हम पाकिस्तान में प्रांतों की बात करें तो पाकिस्तान में प्रांतों की जो संख्या हुए 8, तो उसके अंदर प्रांत है जिन्हें हम राज्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह इसमें प्रांतों की संख्या कितनी है 8, ठीक है। उसके बारे में बात करें तो उसका सबसे बड़ा जो शहर है वह है कराची। इसका जो सबसे बड़ा शहर है, इसका सबसे बड़ा शहर है इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह है कराची, ठीक है। अगर हम इसकी पाकिस्तान की जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है और सबसे ऊंची चोटी बात करें वह है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। वो पीओ की स्थित है K2 जो तुम्हारी गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये कहां स्थित है आपकी, ये पीओ की, ठीक है, ये कहां पर स्थित है आपकी, पीओ की स्थित है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो राजधानी है वह है काबुल, और जो उसकी संसद का नाम है वह है सोरा, ठीक है। जो तुम्हारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की हम बात करेंगे, अफगानिस्तान की जो राजधानी वो है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है वो है काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी वो काबुल है। जो अफगानिस्तान की संसद है, संसद का नाम है सोरा, ठीक है। यह इसकी संसद और यह इसकी राजधानी, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करेंगे, इसके जो राष्ट्रीय पशु है वह स्नो लेपियार्ड, ठीक है। इसके जो राष्ट्रीय पशु है वह स्नो लेपियार्ड, स्नो, ठीक है, यह इसका राष्ट्रीय पशु, इसका जो राष्ट्रीय पशु है वह स्नो लेपियार्ड, ठीक है। इसकी अगर हम हमारे राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो इसका जो राष्ट्रीय पुष्प है वो ट्यूलिप, इसका जो राष्ट्रीय पुष्प है, इसका जो राष्ट्रीय पुष्प है वह इसका, इसका जो राष्ट्रीय पुष्प है वह आपका ट्यूलिप, ठीक है। इसके जो हम राष्ट्रीय खेल की बात करें वह है आपका पुचकासी, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वह आपका पुचकासी, जो उसका राष्ट्रीय खेल है आपका वो है पुचकासी, ठीक है। अगर हम इसके राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो उसका राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल, इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है, इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका गोल्डन ईगल, इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका गोल्डन ईगल, ठीक है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, उससे आगे हम चीन के बारे में, ठीक है, उससे आगे हम बात करेंगे चीन के बारे में। चीन के बारे में, ठीक है, चीन की जो राजधानी है वो आपकी बीजिंग, चीन की जो राजधानी है वो आपकी बीजिंग है, चीन की जो राजधानी वो आपकी वो है आपकी बीजिंग, चीन की जो राजधानी वो आपकी वो है बीजिंग, ठीक है। उसके बारे में इससे आगे बात करेंगे, जो उसके राष्ट्रीय पुष्प है वो है पियोनी, जो उसका राष्ट्रीय पुष्प है, इसका जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है पियोनी, जो उसका राष्ट्रीय
पुष्प आपका वेस का पियोन, ठीक है। हेलो, ठीक है। राष्ट्रीय इसका जो पुष्प है वो इसका राष्ट्रीय पुष्प है आपका पियोनी। और इसकी भाषा की बात करें, इसकी भाषा है मंदारिन। इसको जो भाषा है आपकी वो आपकी वही मंदारिन, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीय फल है, कीवी, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीय फल है कीवी। इसका जो राष्ट्रीय फल है आपका वही कीवी, ठीक है। और जो उसका राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। जो उसका राष्ट्रीय खेल है वो है आपका टेबल, इसका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, जो उसका राष्ट्रीय खेल है वो इसका टेबल टेनिस, ठीक है। और जो मंदारिन है ये दुनिया में, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मंदारिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली। ठीक है, तो मंदारिन आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। अगर हम इसकी राष्ट्रीय नदी की बात करें, इसकी राष्ट्रीय नदी है यांगसी। जो इसकी राष्ट्रीय नदी है वो आपकी यांगसी, ठीक है। इससे आगे ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। और वैसे चीन के जो प्रांत है, चीन में प्रांतों की जो संख्या वो है 34, ठीक है। चीन में जो प्रांतों की संख्या आपकी वो है 34। और जो यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो उनकी राष्ट्रीय नदी है चीन की यांगसी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे म्यांमार के बारे में। ठीक है, म्यांमार का जो पुराना नाम है वो है आपका बर्मा, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। जो म्यांमार, म्यांमार में जो प्रांतों की संख्या है वो आपकी 14 है, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका इंडो चाइना टाइगर, ठीक है, इंडो चाइना टाइगर। और इसकी जो अगर भाषा की बात करें तो उसकी भाषा है आपकी वो है वर्मी, ठीक है। सबसे पहले इसमें प्रांतों की संख्या हमारी 14 है, ठीक है। और ये आजाद हुआ था 4 जनवरी 1948, 4 जनवरी 1948 में ये आजाद हुआ था, ठीक है। 4 जनवरी 1948 को ये आजाद हुआ था। और इसकी जो राष्ट्रीय भाषा है वो इसकी वर्मी, ठीक है। जो इसकी राष्ट्रीय भाषा है वो आपकी वर्मी। अगर इसके राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है चिन लॉन, ठीक है। इसके जो राष्ट्रीय खेल की बात करें तो उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका चिल्लौ, ठीक है। और जी संसद का नाम क्या है इसकी का, संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन, ठीक है, असेंबली। जो इसकी संसद का नाम है वो आपकी असेंबली ऑफ यूनियन, ठीक है। इसे पायदा आंगसू, ठीक है, इसे पायदा उंगसू हुलटाप भी कहा जाता है, इसलिए, ठीक है। और जो उसकी सबसे लंबी नदी है वो इसकी इरावती, ठीक है। इसकी जो सबसे लंबी नदी थी वो है इरावती, सबसे लंबी नदी। तो जो उसकी इरावती है सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, ठीक है।
बांग्लादेश की जो राजधानी वो आपकी ढाका है, ठीक है। ये आजाद हुआ था 26 मार्च 1971 को, लेकिन जो इसका मुक्ति दिवस है वो मनाया जाता है आपका 16 दिसंबर 1971 को। और जो इसकी संसद का नाम है वो है, इसकी संसद का नाम है जातीय संसद, ठीक है। जो इसकी संसद का नाम है वो है जातीय संसद, जो इसकी राजधानी है वो है ढाका, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो है आपकी ढाका, ठीक है। अगर हम संसद की बात करें तो इसकी संसद है जातीय संसद। ठीक है, इसकी संसद की बात करें तो इसकी संसद है जातीय संसद। अगर हम इसके राष्ट्रीय पशु की बात करें तो इसके राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। इसका जो राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर, इसका राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। अगर इसके हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका कबड्डी, ठीक है। और जो उसकी राष्ट्रीय नदी है, इसकी जो राष्ट्रीय नदी है वो इसकी सुरमा, ठीक है। और इसके राष्ट्रीय फल की बात करें तो इसका जो राष्ट्रीय फल है वो है आपका कटहल। कटहल इसका राष्ट्रीय फल है, और इसकी नदी है वो है सुरमी, ठीक है, सुरमा, ठीक है। इसकी जो नदी है वो है आपकी सुरमा, ठीक है। उसका राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो उसका राष्ट्रीय वृक्ष है आम। इसका जो राष्ट्रीय वृक्ष है आपका राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो उसका जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो इसका आम। ठीक है, और इसकी प्रांतों की बात करें तो उसके प्रांतों की संख्या है इसकी 8, ठीक है। इसके अगर हम प्रांतों की बात करें तो उसके प्रांतों की जो संख्या है, ठीक है, प्रांतों की संख्या है इसकी 8, ठीक है। और जो उसका राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो उसका जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है वाटर लिली, ठीक है, वाटर लिली। और हम इसकी भाषा की बात करें तो उसकी भाषा है बंगाली, जो 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आई थी, ठीक है, 1956 में, ठीक है। अगर इसके बारे में आगे बात करेंगे हम नेपाल के बारे में, ठीक है, आगे बात करेंगे नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी वो आपकी वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी आपकी वो है काठमांडू। अगर राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें तो उसका जो राष्ट्रीय पशु है वो है गाय, ठीक है, नेपाल, ठीक है। नेपाल की जो राजधानी वो आपकी वो है काठमांडू। नेपाल की जो राजधानी है वो आपकी काठमांडू, ठीक है। उसकी जो राष्ट्रीय पशु है वो इसकी गाय। इसकी जो राष्ट्रीय पशु है वो इसकी गाय। और अगर हम राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो उसका जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है पीपल। इसका जो राष्ट्रीय वृक्ष है आपका वो है पीपल। और जो इसकी राष्ट्रीय भाषा है वो है नेपाली। अगर हम प्रांतों की बात करें तो उसकी प्रांतों की संख्या है 7, ठीक है, नेपाली। अगर हम इसके प्रांतों की बात करें तो प्रांतों की संख्या आपकी 7, ठीक है, जो राज्यों की संख्या इसके अंदर हुए 7, ठीक है। और पर्वत चोटी, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो आपकी नेपाल में है, ठीक है। जो पर्वत चोटी है सबसे ऊंची वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8848, 8848 मीटर जो उसकी ऊंचाई वो आपकी हुए आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इसकी राष्ट्रीय नदी की बात करें तो उसकी राष्ट्रीय नदी है कर्णाली, ठीक है, राष्ट्रीय नदी आपकी राष्ट्रीय, ठीक है। तो नेपाली में इस नेपाल में इसके जो प्रांत है उनकी संख्या आपकी 7 है, ठीक है, प्रांतों, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम भूटान के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हम भूटान के बारे में। ठीक है, तो भूटान की राजधानी हुआ आपकी थिम्पू, ठीक
ठीक है। भूटान की जो राजधानी आपकी हुआ थिम्पू, अगर हम इसकी मुद्रा की बात करें तो उसकी राष्ट्र मुद्रा, इसकी राष्ट्रीय मुद्रा न्यूबल ट्रम, ठीक है। इसकी जो राष्ट्रीय मुद्रा है आपकी वो है नेगुल ट्रम, ठीक है। इसकी जो राजधानी वो आपकी भूटान की वो है थिम्पू। ठीक है, अगर इसकी मुद्रा की बात करें, इसकी मुद्रा है न्यूबल ट्रम। ठीक है, उसके बाद में अगर इसकी संसद की बात करें तो इसकी संसद आपकी त्सुंगरू। ठीक है, अगर इसकी हम संसद की बात करें तो उसकी संसद है आपकी त्सुंगरू। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इसे आगे बात करेंगे इसके राष्ट्रीय पशु के बारे में। इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो है टोफिन। इसका जो राष्ट्रीय पशु है आपका वो है टोफिन। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे इसके राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। जो इसका राष्ट्रीय वृक्ष है वो है इसका साइरस। ठीक है, साइरस। ठीक है, उसका जो राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करेंगे इसके ब्लू पोपी। ठीक है, ब्लू पोपी, ब्लू पोपी। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प। ठीक है, इसका है ब्लू पोपी, इसका जो राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, उसका जो खेल है वो है, उसका राष्ट्रीय खेल है वो है आपका तीरंदाजी। ठीक है, और उसके राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो उसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका रोबिन। ठीक है, इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है आपका वो है रोबिन, वो है आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी बात करें उसका राष्ट्रीय पक्षी है रोबिन। उसकी राष्ट्रीय नदी की बात करें तो उसकी राष्ट्रीय नदी आपकी मानस। और भूटान में जो प्रांतों की संख्या है वो है आपकी 20। ठीक है, भूटान में जो राज्यों की संख्या है आपकी वो है 20। इसके अंदर 20 राज्य हैं। ठीक है, इसके अंदर 20 राज्य हैं। ठीक है, तो बात करें नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी वो आपकी वो है काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी आपकी वो है काठमांडू। ठीक है, और जो इसका नवीनतम संविधान है वो इसी देश का है। ठीक है, 2015 में ये संविधान लागू हुआ था। दुनिया का सबसे नवीनतम जो संविधान है वो आपका नेपाल का ही है। और इसकी संसद की बात करें तो उसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। और इसकी जो भाषा की बात करें तो की भाषा है इसकी नेपाली। और जो इसका जो नवीनतम संविधान है वो बना था आपका 2015 में। उसका संविधान वो बना था आपको 2000 संविधान इसका 2015 बना था। और इसकी जो मतलब पर्वत चोटी है, ठीक है, इसकी पर्वत चोटी वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें राष्ट्रीय खेल बात करें, इसका राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। इसकी जो राष्ट्रीय खेल है आपका वो है वॉलीबॉल। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, ठीक, श्रीलंका के बारे में। ठीक, श्रीलंका की जो राजधानी ये है श्री जयवर्धन पुरेकोटे। श्री जयवर्धन पुरेकोटे। अगर हम इसकी आजाद की बात करें तो ये आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को। इसके अंदर जो प्रांतों की संख्या है वो है आपकी 9। इसके अंदर जो प्रांतों की संख्या है वो आपकी 9। इसका जो राष्ट्रीय पशु है, इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो इसका हाथी। अगर हम इसके राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका वॉलीबॉल। ठीक है, इसका जो खेल है वो आपका वॉलीबॉल। ठीक है, इसका जो खेल है आपका वो है
ठीक है, इसकी जो राजधानी वो है जय जयवर्धनपुरे कोटे, ठीक है, जयवर्धनपुरे कोटे। पूरे कोटे ठीक है। इसके आगे बात करेंगे इसके राष्ट्रीय पशु के बारे में, जो इसका राष्ट्रीय पशु है वो है इसका हाथी। अगर उसके राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें तो इसकी जो राष्ट्रीय पशु है आपका हाथी। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल है इसका वॉलीबॉल। जो इसका राष्ट्रीय खेल है आपका वो है इसका वॉलीबॉल। अगर इसके राष्ट्रीय पक्षी की बात करें वो है आपका जंगल फाउल, ठीक है, जंगल फाउल। ठीक है, इसे अगर बात करेंगे इसके राष्ट्रीय फल के बारे में, इसका जो राष्ट्रीय फल है वो आपका वो है कटहल। ठीक है, इसका जो राष्ट्रीय फल है आपका वो है कटहल। ठीक है, अगर इसकी राष्ट्रीय नदी की बात करें तो इसकी राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा। इसकी जो राष्ट्रीय नदी है वो आपकी महावेली गंगा। ठीक है, इसकी जो राष्ट्रीय नदी आपकी वो है आपकी महावेली गंगा। ठीक है, अगर इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है तमिल। जो श्रीलंका की भाषा है वो आपकी वो है तमिल या सिंहल। ठीक है, इसकी जो भाषा है आपकी वो है तमिल या सिंहल। ठीक है, अगर से बात करेंगे हम, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आगे मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ।